જય રામ જી પધારો. क्या हो रहा है और क्या चल रहा है? खेती वेती कैसी चल रही है? भाई खेती में ऐसी चल रही है ना, तो ये साग सब्जी में तमाम बीमारी लग रही है. हाँ क्या हो रहा है मिर्ची में, क्या हो रहा है? बीमारी लग रही है, बीमारी लग रही है. बीमारी कैसी, क्या लग रही है? सूख रही, सूख रही, गले हुआ लग रही है, जड़े सूख रही है, कुकड़िया पत्ता हो रही है सब. जी वो फिल्म बताते हैं उसमें ऐसा कोई रोग के लिए हो तो बताओ उपाय है. ठीक है बताते हैं, फिल्म भी है, फिल्म में भी बताते हैं आपको. पहले तो अपन खेत में चलते हैं, खेत में क्या है वो देखते हैं, जिसके बाद फिर अपन फिल्म में बता देंगे, जिसके बाद सर से और जानकारी ले लेंगे, आपको ये समस्या का सॉल्यूशन करेंगे. चलो चलो तो देख. कब से आ रही है समस्या, कब से आ रही है आपको? वो तो लगा जब से समस्या आ रही, 25% तो सूख ही गया जी. चलो अब देखते हैं अपन अपनी आई है समस्या, अपन समाधान करेंगे समस्या का जो भी होगा वो. चलो देखो जो जो पूरी सूख गई उसका कहीं समस्या है? अरे अब जो बचा है उसको तो अपन कुछ करेंगे इलाज. हाँ तो जो बढ़िया वो ठीक है. हाँ तो क्या समस्या आ रही है आपके मिर्ची में? चलो सर देखो सर, हमारे खेत में मिर्ची समस्या बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है हमारे खेत जी. तो आपके मिर्च में वही समस्या है, एक ही समस्या है, दोही के. दोही तो पूरी सूखी गई यार जी. दो चार पेड़ दिखे अपन ने मैंने. अच्छा अच्छा तो चलो आप दिखाओ आप ये क्या कर रहा है यहाँ पे? देखो ये तो आप देखिए, ये भी निंदाई कोड़ाई कर रही है. हाँ हाँ ये राम राम दादा निंदाई चल रही मिर्ची की यार, और मिर्ची में यार ये बीमारी लग रही हमारे. तो इनमें नींद रिया, पानी फेर रिया, खाद डाल रिया, फिर भी मतलब ये मतलब माथा बंद गया इनका, फसल कम आ रही, मिर्ची टूट रही इनकी. हमारे तो ऐसी हो गई है, ऐसी तो हमारी हो गई. ये बीमारी कहाँ की लगी यार? या को उपचार तो बताओ, कहीं को उपचार हो तो या को मिर्ची को. अभी कौन सी दवाई डाली है अभी कोई सी? अब छिड़क रही है उनमें दवाई, तो मतलब एक दो दिन छोड़ के छिड़क रही है. जो दुकानदार दे दे, दुकानदार दे दे वो मतलब छिड़क ना. मिर्ची का ऐसा पौधा हो रही है. हाँ। ये देखो. हाँ। इनमें ये कौन सी बीमारी लग रही, कहीं हो रही हो? ये सूख रही है, ये कुकड़ा रोग लग रही है. इनमें कहीं उपचार होना चाहिए, काई की दवा डालना चाहिए इनमें, और ये सब ऐसा ये मिर्ची में ये पेड़ क्यों भैया? जैसे कि आपके खेत में सभी पेड़ों में ये समस्या है कि कुछ पेड़ में है, कौन कौन से बीमारी? नहीं, कोई तो पेड़ ठीक है. हाँ. कोई जैसे ये सुकड़ रहे हैं. हाँ. कोई सूख रहे हैं जी. कोई ये मन से भी आड़ा पड़ रहे हैं. हाँ. ये सुकड़ रहे हैं. हाँ. इनमें तीन चार तरह की बीमारी है भैया. अच्छा. अब इनको कहीं उपचार है, इनकी कहीं दवा है, कहीं नहीं. आप बताओ हमें, जानकारी दो हमें इस बात की. बोई मिर्चा भैया, बोई से ये आसी वासी बीमारी आपने लग रही है? हमारे तो पूरी सफाई सूख गई है सी बने. तो ऐसे ही तो खेत हमारे सूख गया सब. रोई यार ये फूकते हो फिर दूसरों फिर तीसरों, पूरी लाइन की लाइन साफ. पूरा खेत हमारा मतलब बैठ गए यार, पूरा सूख रही हो, बांझ हो गए हो, सुखड़ लग गई, पीली पत्ती पड़ गई, फल नहीं आ रही है. मैं अभी सर से मालूम करता हूँ, अभी इसमें तीन चार तरह के रोग हैं. हाँ. बारे में मेरे को इतनी जानकारी नहीं, मैं सर के पास अभी फोन ला के अब सर से बात करता हूँ मैं. हाँ. और खेत का खेत बैठ गए हमें, कहाँ की दवाई छिड़कना चाहिए अपने, कितनी मात्रा में छिड़कना चाहिए, कितना पंप छिड़कना चाहिए, एक पंप में कितनी जगह में आना चाहिए, आप पूछ के पूरी जानकारी बताओ. ठीक ठीक मैं लाता हूँ. हेलो कौन केला सर बोल रहे हैं आप? सर मैं पुरुषोत्तम बोल रहा हूँ यार, रघुनाथपुरा से. सर ये मैं एक खेत में हूँ, मिर्च के खेत में, अभी एडॉप्शन लेने के लिए गया था, तो वहाँ पे मैंने ये रोग देखा जिसमें मिर्ची सिकुड़ रही है, उसके पत्ते मुरझाए हुए हैं, और इसके अलावा मिर्ची कुछ उकस भी रही है, पेड़ सूख रहे हैं ऑटोमेटिक, और जिसके बाद उसमें कुछ पेड़ बांझ टाइप हो गया, उसमें फल नहीं आ रहा है, और कुछ पेड़ तो ख़राब ही हो गया है, ऑटोमेटिक सूख ही गए, और कुछ तो ऐसी बहुत सारी समस्या आ रही है. तो इसके बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप कृपया करके इनकी रोकथाम के बारे में आज आप कुछ बता सकते हो, आप जानकारी दीजिए मेरे को, आप मैं किसान को बता दूं. ठीक है सर, तो मैं आपके पास अभी इसका फ़ोटो खींच के, नहीं फ़ोटो आपके पास मैं भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, आप देखना, फिर आप मेरे को इसके रोकथाम के लिए जानकारी.
मेरी बात हो चुकी है अभी सर से, तो अभी अभी इनका फोटो खींच के अपन सर के पास भेज देते हैं, वो इनके रोकथाम वगैरह जो भी बताएंगे वो अपन उस दवाई का इस्तेमाल करेंगे इनमें, उससे ये ठीक हो जाएगा। तो अभी आप निकल गए इनकी ये जी ये ऐसा होगा इनका, हाँ इनका अपन अभी सर के पास भेजते हैं ना फोटो, अभी ये भी बताओ आप, इसको यूँ पकड़ लो आप यहाँ पे, और यूँ खड़ा कर लो एक बार आप, फोटो जो पेड़ खड़े हैं जी इनका भी फोटो लो अब आप, ठीक है ये वाला, हाँ ये है ना, हाँ ये वाला जिनके पत्ते सुखाना है ये, हाँ ठीक है, और ये मैंने सर के पास भेज दिया फोटो, अभी वो सर फोन आएगा, अभी सर से अपन जानकारी मिल जाएगी, अब मैं आपको दवाई वगैरह लिख के दे दूंगा, जो भी दवाई है वो आप लाके इस पे कर देना, आपकी ये समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आप उधर बैठते हैं अपन, और अभी सर का फ़ोन आ जाएगा, अपन है जो वो लिख लेंगे और वो बता देंगे आपको सब जानकारी टोटल, जो जो आप चलो कि जो जो समस्या है सबका निदान सर बताएंगे अभी अपन। चलो ये फ़ोन आ गया सर का, अभी बात करते हैं अपन, वो क्या बताते हैं क्या ना। हेलो जी सर, सर इस रोग का नाम क्या है, नाम बताइए आप पहले तो मेरे को, इस रोग का नाम क्या है और इसकी रोकथाम बता दीजिए आप जी। जी पेट्रानिल प्लस रोडोमिल, इन दोनों को एक साथ मिला के सर कितनी मात्रा देना है एक पंप में इन दोनों की, जैसे कि जी सर ये पाउडर कितना देना है जी 30 ग्राम, और जैसे कि ये रोडोमिल जो लिक्विड में आती है ये 30 ml, ठीक है सर। साहब ने कहीं बताई भैया, साहब ने बताई अभी, अच्छा जैसे कि ये आपका रोग लग रहा था, जैसे हाँ, इसको गलन रोग बोलते हैं, ये नीचे से जो जड़ गल जाती है ना, अच्छा इसको गलन रोग, और जैसे कि ये ऊपर से पत्ती वत्ती मुरझा रही है इनकी, हाँ ये सुखा रही है, हाँ तो ये जैसे कि ये चुर्रा लग रहा है एक तरह का ये, अच्छा और जिसका धीरे धीरे ये गलने से जो धीरे धीरे आपके ये, हाँ ये जड़ा मड़ा नीचे की खराब हो रही है जी। अभी दवाई बताइए, जैसे कि एक तो पेट्रोनिल आती है, अच्छा दवाई, और दवाई ये है लिक्विड में, तो 30 ml इसको है जो अपन है एक पंप में डालना है, और उसी के साथ रोडोमिल पाउडर आता है, वो रोडोमिल पाउडर 30 ग्राम पाउडर डालना है, तो पाउडर पंप में घोल के नहीं पंप में डालो, हाँ उसी में घोल लेना है, जैसे कि उसी में पंप में डाल दो, जिसके बाद फिर और ये पहला आपने दवाई बताई वो भी उसी में डालना है, ये दोनों मिला के नहीं, अच्छा घोल बना के नहीं पंप में भर लो, पंप में भर लो आप, और उसका स्प्रे है जो, हाँ छिड़काव करो पेड़ के ऊपर, मतलब पेड़ के ऊपर इतना छिड़काव होना चाहिए पूरी पत्ती, हाँ ये मतलब ये गच हो जाए पानी में भीग जाए, वो दवाई में भीग जाए। और ये आता है जैसे कि एक तो बायर कंपनी का आता है, एक सिजेंटा कंपनी का आता है, अच्छा। तो आप बायर या सिजेंटा दोनों कंपनी अच्छी है इनके लेना, और इसके अलावा और भी लोकल कंपनी का आता है वो नहीं लेना आपने, मान लो हमारे यहाँ नहीं मिली तो नहीं, ये नरसिंहगढ़ में आराम से मिल जाएगी, अच्छा, आपको तो दुकान पे दवाई के पे जो आपके पास ये सोसाइटी है यहाँ पे से आप खरीद के ले आना, अच्छा हाँ हमें एक एकड़ में मतलब कितना पंप दवाई छिड़कना पड़ेगी ये और बताओ आप, एक एकड़ में जैसे कि आपकी जो मिर्च लगी हुई है, हाँ। आपको समथिंग 12 पंप इसमें है जो, एक एकड़ में 12 पंप में 12 पंप रोडोमिल प्लस है जो पेट्रोनिल पाउडर और ये दवाई दोनों को मिला के 12 पंप दवाई तैयार करना आपको, और 12 पंप है जो एक एकड़ में आपका आराम से, तो 12 पंप में कितनी दवाई मतलब इकट्ठी कितनी दवाई बनेगी उसको, से आप है जो हफ्ते में एक बार करना है आपको, हफ्ते में एक बार, हाँ हर हफ्ते, यहाँ कहाँ का टाइम पे छिड़कना चाहिए, जैसे कि आप दवाई छिड़कना है, जैसे कि आज आप दवाई ले आए हो और आपको दवाई छिड़कना है, हाँ तो सबसे पहले आप मौसम देखना, अगर मौसम ठंडा अच्छा। है तो हाँ। किसी भी टाइम पे आप छिड़क सकते हो अच्छा। और नहीं तो जैसे कि अभी ये धूप पड़ रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, तो आप ऐसा करना कि इसको या तो शाम के टाइम छिड़को जब ये धूप कम हो जाए, और या फिर सुबह जल्दी छिड़को, हाँ मतलब ठंडाई में छिड़कना चाहिए, धूप में नहीं छिड़कना चाहिए, धूप नुकसान कर जाता है, नहीं नुकसान नहीं करेगी, अच्छा। इसमें क्या है कि दवाई उतना काम नहीं कर पाएगी, इसकी जो दवाई भी जो भी गैस बनेगी या असर करेगी पत्ती में, धूप से उड़ जाएगी वो दवाई गैस सारी,
सर ये बताइए कि इसमें सावधानी क्या क्या रखना पड़ती है। हाथ में अपने दस्ताने पहनी है जी। जिसके बाद मुंह पे मास्क होना जरूरी है जी। और जिसके बाद दवाई का डब्बा खोले आप जी। तो उसको है जो सावधानी से खोलना, नहीं तो अपन ने जैसे कि एकदम खोला दवाई है जो एकदम मतलब लग गई कुछ भी नुकसान कर सकती है वो। इसके अलावा आप जैसे दवाई छिड़क रहे हो पेड़ पूरा नितरना चाहिए दवाई से। जिसके बाद आप हवा की दिशा में छिड़के। हवा की दिशा में कैसे छिड़कना है मतलब? जैसे कि आप हवा की दिशा पूछ रहे हो, जैसे कि अभी इस टाइम पे हवा यूं की चल रही तो आप यूं में छिड़किए ताकि ये दवाई आपके ऊपर कैसे नहीं जाए। जैसे कि आप इधर से जाओगे तो दवाई उड़ेगी तो इधर उड़ेगी, फिर उधर से आओगे तो दवाई जितनी भी उड़ेगी तो वो इधर जाएगी, आपके ऊपर नहीं आएगी। जी कहीं की दवाई नहीं है जो अपन तो आप है जो 2 ग्राम 1 लीटर पानी में बॉस्टिन पाउडर डाल दो और उसको घोल के घोल बना लो उसका। वो घोल तैयार करके आप मिर्च का पेड़ उखाड़ोगे रोप और उसको उसमें डुबा के जड़ को उसकी और फिर आप रोपाई कर देना खेत में तो आपको उससे भी रोग नहीं आएगा। उखाड़ उखाड़ के वहाँ में पानी घोल में रखो जी और रख के उसके बाद फिर खेत में लगाओ जी। बाकी निकाल लो कितनी देर रख लो नहीं तो रोप। जैसे कि आपने खेत में से रोप उखाड़ा और आपका घोल तैयार है। अच्छा आप उखाड़ के उसको इतना इतना लेके और आप उसको उसमें कम से कम 2 मिनट रखना है अच्छा। ताकि उसमें जो कीटाणु हो वो सब नष्ट हो जाए और वैसे का वैसे उसमें से उठा के खेत में लगा के भेजो। खेत में इतनी छेटी से आपकी जो बताई गई है उतनी छेटी से आप भेजो। हाँ, रोप को काट दो खेत में लगा लो। संतुष्ट हो जानकारी से पूरी? हाँ सर करूंगा। करूंगा जो काम जो आपने बताया। हाँ जो काम करूंगा। नहीं आपको कोई भी समस्या आए तो आप मेरे पास फोन ला देना, मैं आपके पास उसी समय आऊंगा और जो भी समस्या होगी उसका समाधान करेंगे। और आप ये जो दवाई मैंने बताई है वो आप भेजो मार्केट से लाना, मैं अभी पर्ची लिख के दे दूंगा आपको सारी और आप वो दवाई ले आना। ठीक है ना? ठीक है यहाँ तुम निदाई खुदाई राम जी की भाई। ठीक है आपने भी सुनी ये जानकारी सारी मिल गई ना आपको भी, तो आप भी ये दवाई लाओ और इसका इस्तेमाल करो। ठीक है तो आपके जैसे कि जो भी मैंने जानकारी बताई इसके जरिए आपकी ये सारी जो भी रोकथाम है सब नष्ट हो जाएगी। जो भी आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा रोग सब खत्म हो जाएगा, पूरा रोग नष्ट हो जाएगा। और इसके अलावा भी नहीं होता है तो फिर अपन और उपाय करेंगे इसका। और वैसे मेरे को लगता है जहाँ तक ये सब बीमारी आपकी नष्ट हो जाएगी। ठीक है ना? अब हम चलते हैं, फिर आएंगे हम मिलेंगे।